ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा सोयाबीन उड़द की फसल को पीला रोग लगने से एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया। मालथौन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बोवनी के समय पर वर्षा न होने के कारण सोयाबीन असफल हो गया एवं उड़द की फसल को पीला मौजेक रोग लगने से फसलें नष्ट हो गई हैं। इसके हल्कावार पटवारियों द्वारा सर्वे कराकर मुआवजा राशि दी जाए। वहीं विद्युत विभाग द्वारा मनमाने तरीके से बिल वसूले जा रहे हैं। जो पहले उपभोक्ता को 200 रुपए का बिल आता था, आज 2000 का आ रहा है। इस अवैध वसूली को रोकने के लिए जांच कर कार्यवाही की जाए। इस समय किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों की कोई चिंता नहीं है। अगर एक सप्ताह में फसलों का सर्वे कराकर किसानों को राहत राशि नहीं दिलाई गई, तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन एवं जन आंदोलन करेगी, जिसमें उपस्थित मदन मोहन दुबे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आलोक दुबे, राहुल गांधी विचार मंच जिला अध्यक्ष आनंद पाठक, सुरेंद्र लोधी, गिरीश पटेरिया, शेर सिंह राममिलन, रविंद्र राय, अजब सिंह बिंदेश, सेंट गजेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र राजू राजा बुंदेला एवं समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मालथौन उपस्थित रहे। जो आप लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है, किसके उपलक्ष्य में सौंपा, क्या मांगे की है? हमारे मालथौन तहसील में सोयाबीन में आफलन होने के कारण एवं उड़द की फसल में पीला मेजक रोग लगने के कारण फसलें पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। इसलिए हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चाहती है कि इसकी निष्पक्ष हल्कावार पटवारियों द्वारा सर्वे कराकर किसानों को राहत राशि दिलाई जावे एवं जो विद्युत बिल हैं वो जो 200 रुपये आते थे, आज 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। उस संबंध में भी कार्रवाई किए जाने का हम लोगों ने उसमें वो जोड़ा गया है। इसके बाद एक सप्ताह के अंदर यदि सर्वे कराकर किसानों के लिए राहत राशि की अनुशंसा नहीं की गई, तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदा।